किस्मत का खेल तो देखिए, कब के बिछड़े परदेश में आकर मिल गए हैं। सीरियल एक था राजा और एक थी रानी की कहानी के हिसाब से रानी माँ और गायत्री भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन किस्मत ने इन्हें एक बार फिर से मिला लिया है। तभी तो गायत्री माँ और रानी माँ का कनेक्शन ऐसा जुड़ा, दोनों को परदेश में एक ही स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। ये बहुत खुशी की बात है। पहले हम लोग एक और प्रोडक्शन कर रहे थे साथ में, और अब दृष्टि एंड मी एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस शो में। अच्छी कहानी है एंड देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा परिवार बहुत एक अमीर और बड़ा परिवार है, और उनकी सारी लेडीज़ यहाँ पहुँच चुकी है, और लग रहा था कि यू नो वो वेट्रेस के अटायर में है, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट द सीक्वेंस यहाँ पर जो शूट हो रहा है। राघव नैना को वॉर्न भी करता है कि यू नो उनके सामने ऐसे मत जाओ, बट वो कहती है कि जैसी मैं हूँ मैं वैसी उनके सामने जाऊँगी। राजा रानी की बात करें तो रानी माँ गायत्री से नफरत करती थी, लेकिन यहाँ पर उनके मन में गायत्री बस गई है। तभी तो बड़े ही प्यार से वो गायत्री को निहार रही है, और शायद अब वो उनके घर की बहू भी बन सकती है। घर वाले वीर के लिए पसंद करेंगे नैना को, लेकिन कहानी तो यही है कि नैना और राघव में प्यार हो जाएगा। है ना, नैना को सुन ही नहीं रही है बात, और मैं समझा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं क्लियरली नहीं बोल सकती ना मेरा मकसद क्या है। सो धीरे धीरे चलिए, ये सब पर्दे की कहानी तो राघव संभाल ही लेंगे। वैसे आपको बता दें कि कहानी के हिसाब से ये पूरी स्टार कास्ट ऑस्ट्रिया में है, लेकिन शूटिंग तो फिलहाल मुंबई में हो रही है, और ये गर्म कपड़े सबके जान के दुश्मन बन गए हैं। ये गलती जो हुई है ना हमसे ऑस्ट्रिया में, जो हमने वहाँ पर कपड़े पहन लिए ठंड के मारे, हमने ऐसे ना बूट्स और ये फुल ठंड में ऐसे अपने आप को कवर करने के लिए पहन तो लिए, यहाँ पर आगे भुगतना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी हो रही है। अब कुछ सीन परदेश में शूट होगा और कुछ सीन देश में, तो भाई मिक्स मैच करने में तकलीफ तो होगी ही ना, लेकिन आप सब इन कपड़ों की दुविधा को अच्छे से संभाल लेंगे, ये तो हम बखूबी जानते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।